एम पंचायत शिकमपुर जनपद मुरादाबाद थाना मुंडा पांडे में उस समय हड़कंप मच गया जब SPCD देश दीपक सिंह व थाना अध्यक्ष मुंडा पांडे अमित सिंह तोमर पुलिस टीम के साथ गोकशी के वंचित चल रहे अपराधियों के खिलाफ शिकमपुर पहुंच गए और अवैध संपत्ति को कुर्क कर दिया गया। बताया गया है कि रईस पुत्र अब्दुल करीम निवासी शिकमपुर गोकशी के दो अपराधियों में लिप्त चल रहा है और उस पर गैंगस्टर भी लगी हुई है। आज कोर्ट के आदेश अनुसार SPCD देश दीपक सिंह व थाना अध्यक्ष मुंडा पांडे व पुलिस टीम ने उसके घर को व दुकान को कुर्क कर दिया और 35,70,000 रुपये की संपत्ति को सीज कर दिया और परिवार वालों को गुजारे अनुसार जगह दे दी गई, बाकी घर को सीज कर दिया गया। SPCD देश दीपक सिंह ने बताया कि देश में बढ़ते हुए अपराध पर लगाम कसने के लिए संपत्ति कुर्क वाला अभियान चलाया जा रहा है और आगे भी किसी अपराधी को नहीं बख्शा जाएगा। और आगे देश दीपक सिंह ने बताया कि कोर्ट के आदेश अनुसार कुर्क की गई संपत्ति को इस्तेमाल करता है तो वो भी गंभीर धाराओं में जेल जाएगा और उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। अगर कोई भी अपराधी का साथ देता है तो उसको भी अपराधी माना जाएगा। हम चाहते हैं कि देश में चल रहे अवैध अतिक्रमण को ख़त्म कर दिया जाए। मुंडा पांडे से अब्दुल वाजिद की रिपोर्ट। क्या पूरा मामला है? गौकसी के अपराध अपराधियों के उससे कार्रवाई को लेकर के जो भी अभियान चलाया जा रहा है इसी अनुक्रम में आज अभियुक्त रईस पुत्र अब्दुल करीम निवासी सिकमपुर पांडे थाना मुंडा पांडे क्षेत्र के अंतर्गत इनके विरुद्ध जब्तीकरण को लेकर कुर्क करने को लेकर के संपत्ति को कुर्क करने को लेकर के आदेश जारी हुआ था। इस संबंध में आज दिनांक 5 नवंबर 2022 को इस संबंध में आज कार्रवाई की गई है तथा इनकी संपत्ति को कुर्क की गई है तथा इस संपत्ति इनके विरुद्ध आपराधिक इतिहास भी है। इनके विरुद्ध 2 गौकसी के मुकदमे भी हैं तथा साथ में एक गैंगस्टर का मुकदमा है। टोटल 3 मुकदमे इनके विरुद्ध हैं। इस संबंध में आज कुर्क की कार्रवाई की गई है तथा इस कार्रवाई के माध्यम से क्षेत्र में यह भी संदेश देना है कि इस तरह के जो भी अपराधी जो अपराध कारित करके आर्थिक और भौतिक लाभ प्राप्त करते हैं तो इसके माध्यम से संपत्ति अर्जित करते हैं इन सभी के विरुद्ध कठोरतम आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सर, परिवार वालों को क्या हिदायत दी जा रही है? बाउंड्री भी की जा रही है, कुछ दुकानें भी उन पर ताले लगा करके सील किया गया है। इस संबंध में जो आदेश प्राप्त हुए थे उस आदेश का अनुपालन कराया जा रहा है। यहाँ पे संबंधित संपत्ति को कुर्क करने का आदेश था, यहाँ पे उस संपत्ति को कुर्क की जा रही है। जो भी इसमें उनके रहने के लिए जीवन यापन के लिए जो संपत्ति छोड़ने का आदेश था उस संबंध में उनको संपत्ति छोड़ दी गई है। सर, लगभग कितने की संपत्ति होगी? जो इसका आकलन किया गया उसके अनुसार 34,70,000 रुपये की लगभग संपत्ति है। ये इसकी संपत्ति है टोटल। सर, यदि अगर जैसे कोई सील करके आप लोग जा रहे हैं, अगर कोई खोलता आगे कि अगर कोई इस तरीके का पाया जाता तो क्या उसके खिलाफ भी कोई कार्रवाई होगी? इस संबंध में सभी को आवश्यक हिदायत दे दी गई है। अगर इस तरह की कोई गलती करता है तो ये अपराध है, इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई की जाएगी उसके खिलाफ भी। सर, ऐसे लोगों के खिलाफ क्या आगे भी कार्रवाई होगी? हाँ, ये अभियान चलाया जा रहा है। जो भी गौकसी के अपराध में लिप्त रहेंगे या कोई अन्य अपराध में भी लिप्त हैं उनके विरुद्ध कठोरतम आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। इनके विरुद्ध जिनके विरुद्ध गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज कराया गया उनका 14 एकड़ संपत्ति अगर है तो उस संबंध में नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। ठीक है सर।